फतेहाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ मांगे हैं जिसे लेकर वो पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने लघु सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए भट्टू रोड पर स्थित विधायक दूड़ाराम के कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन विधायक दूड़ाराम को सौंपा। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के प्रधान ने कहा वो 1 अक्टूबर से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी है। इस दौरान वो कई बार अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री को भेज चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। और तो और उनके संगठन की एक महिला नेता पर तो केस भी दर्ज किया गया। वहीं उनकी मांगों को भी लंबे समय से नहीं माना जा रहा। सर, हम 1 अक्टूबर से यहाँ धरने पर बैठे हैं मुख्यालय पर, सभी मुख्यालयों पर, मतलब जितने भी हमारे मुख्यालय हैं पूरा हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर है। उससे पहले हम मंत्री जी के निवास पर आज 84वां 85वां दिन हो गया हमारे धरने को, न तो मंत्री हमारी कोई बात सुनती है। उल्टा हमारी एक वर्कर को टर्मिनेट किया गया है, एक पे SC ST एक्ट लगाया गया है, जबकि वहाँ किसी तरह की ना तो मारपीट हुई ना किसी तरह का और झगड़ा हुआ। हाँ जी, आज ज्ञापन दिया गया जी हमारी आंगनवाड़ी जो निजीकरण करने जा रही है सरकार, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम वही काम, मतलब बिना उसके किसी भी, मतलब हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता किसी भी काम का। हमारे डिपार्टमेंट के अलावा हमसे आर्थिक विभाग भी हमारे से सेवाएं दे रहा है, और दूसरा विभाग भी, तीसरा भी, NGO भी, हम पे जो भी काम हो सारे थोपे जा रहे हैं हमारे। वही विधायक दूड़ाराम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगों को CM तक पहुंचाएंगे और उनकी मांगों को पूरा भी करवाएंगे। कुछ मांगे लिख के देके गए हमने, ये जो मांग पत्र के रूप में ये बातें मैं जो भी है मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। जो होने वाली बात है मुख्यमंत्री पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन मैं मुख्यमंत्री रिकमेंड करके मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। और जो होने वाली बात है मुख्यमंत्री पहले भी देख रहे हैं, आगे भी मुख्यमंत्री जी हमेशा, एक महिलाओं की बात आती है, कोई किसी की बात आती है, हर बात का ध्यान रखते हैं। फिलहाल स्थानीय विधायक दूड़ाराम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को CM तक पहुँचाएंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाएंगे। देखना ये होगा कि आश्वासन कब तक पूरे होंगे। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक।